हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपना सेकंड लेक्चर जो ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या विषय रहने वाला है आज के लेक्चर में, लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करना, क्योंकि हम काफी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि जो आपकी लिमिट होती है जब वो वेरिएबल के फॉर्म में आ जाती है तो कैसे आपने उसको चूज करना है और कैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट ओनली कॉन्स्टेंट लिमिट के बारे में समझा और जो क्वेश्चन किए थे, आई होप उससे आपकी सारी एक्सरसाइज हो गई होगी, है ना। फिर भी कुछ डाउट है आपके माइंड में तो आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप से आपको जो इंजीनियर मैथमेटिक है, हमारा बीएससी मैथमेटिक है, उसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इन फ्यूचर को अपलोड होते रहते हैं, वो सारे आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अभी। वेरिएबल लिमिट्स के बारे में, है ना, ट्रिपल इंटीग्रल का वेरिएबल लिमिट नाम से डिफाइन है। अब जो आपका ट्रिपल इंटीग्रल है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है और उसमें ये हो सकता है कि आपके पास एक तो वो टू टाइप में बोल सकते हैं, एक तो वो बाउंडेड हो किसी चीज में, एक आपके पास लिमिट डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है। अगर डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है भाई, है ना, तो कैसे आपने उसको एक्स वाई चूज करना है ये हम समझेंगे पहले। तो डायरेक्ट यानी कि आपको उन्हें खोल के यहाँ पे लिख के दे रखी है एक्स की फॉर्म में, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसे कुछ लगा लो ना, जीरो से वो ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे आपके पास लिमिट दे रखी है। और एक है बाउंडर्ड की सेप में, देखो बाउंडर्ड क्या हो सकता है, वो किसी एक टेट्राहेड्रन, एक जो लाइन होती है उसके थ्रू बाउंडर्ड हो सकता है, एक स्फीयर के थ्रू बाउंडर्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, है ना, वो कौन सा सरफेस है जिसके थ्रू उन्होंने इसको बाउंड किया है, है ना। जैसे अगर हम बात करें टेट्राहेड्रन की बात करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए हो सकता है, है ना। अगर स्फीयर की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्फीयर हुज रेडियस इज ए। एलिप्स हो सकता है, एलिप्स के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन आ जाता है ना, लेस देन इक्वल टू वन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है, अगर आपको एक खोलना आ गया तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं जेड की लिमिट निकालना चाहूँ, है ना, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर मैं जेड की लिमिट निकालना चाहूँ तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये दोनों मेरे पास उस तरफ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर उस तरफ लेके जाऊंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आती है मेरी टर्म वाई की, क्योंकि जेड को मैं एक्स और वाई में ले चुकी हूं, तो अगर मैं वाई की बात करूंगी तो मेरा जेड खत्म हो जाएगा, मान लो जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी इस सरफेस पे, तो मेरी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी रहने वाली है जी, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस अब अगर एक्स पे आती हूँ तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे मेरे लिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो इस केस में अगर मैं लिमिट्स की बात करती हूँ तो मेरी लिमिट्स क्या जाएंगी, प्लस माइनस है, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड की लिमिट है। फिर उसके बाद एक्स वाई की लिमिट आ जाएगी, थोड़ा उधर लिखना था ना मैंने, चलो कोई बात नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू लेके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस थोड़ा सीधे कर लेती हूँ उसको, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स की लिमिट आ जाएगी माइनस ए टू ए, ठीक है ना। ये तीनों मैंने लिमिट लिख के दी है आपको, जो मैंने यहां से निकाली है, क्लियर है फंडा, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ ना, इसके साथ ये होगी आपके पास, अगर इसके साथ उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया आपके साथ कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब आप ये भी देख रहे हो कि भाई ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, कितना लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, यस जाएगा भी ये लेंथी क्वेश्चन। तो इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन को वैसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी भी, है ना, डायरेक्ट भी सॉल्व होगा जैसे हम लिमिट का निकालते हैं, और इसी टाइप के लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है, वेरिएबल या सॉरी वेरिएबल लिमिट चेंज मेथड, है ना, जिसमें हम लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं ना, किसमें, पोलर फॉर्म में लगा लो, आर थीटा, है ना, साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए समटाइम्स स्टूडेंट ये भी मैसेज करता है कि मैम
इंटेंशन जब हमारी एक टर्म से हो गई तो वो क्यों चेंज क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना सिखा रहे हैं या क्यों पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। तो इसीलिए कि इतने लेंथी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और थोड़ा सा लेंथी बहुत चला जाता है। लेकिन जब इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी सारी वीडियोज में, वन वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करेंगे बट चेंज करेंगे कि इसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके किया है। तो आप दोनों की कंपेयर करना कि कैलकुलेशन कहां पे सी जा रही है, ठीक है ना। तो आपको भी जो फंडा बता रही थी वो ये कि यहां पे अगर ये था तो प्लस माइनस आया, ठीक है ना। लेकिन अगर साथ में ये सरफेस मेंशन कर दिए तो डायरेक्ट आपने यहां पे नेगेटिव का सिंबल क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सिंबल हट गया तो दैट मीन्स आपकी ये लिमिट थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ये जीरो से स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगी, जीरो से, क्योंकि नेगेटिव इंटरवल निकल चुका है, एक्स वाई और जेड क्या है, ग्रेटर देन जीरो निकाल सकते हो। अब यहां पे भी मान लो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है। किसके लिए निकाल सकते हो, मान लो पहले मैं वाई की ले रही हूं, वाई की, तो वाई की आ सकती है आपके पास ए माइनस एक्स माइनस जेड, ए माइनस एक्स माइनस जेड, और जेड की निकाल सकते हैं, वाई की जेड में आ चुकी है ना, वाई की, तो वाई कैंसिल कर देंगे हम। अगर जेड की बात करेंगे वो कितनी आ सकती है, एक्स माइनस ए, और एक्स की बात करेंगे एक्स में दोनों कैंसिल हो चुकी है, वो आ जाएगी ए। तो लिमिट ले सकते हो आप जीरो से एक्स माइनस ए, जीरो से ए, जीरो से ए माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है। देखो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल इसे चूज किया है तो सेकंड टाइम में ये वेरिएबल आपका कट हो जाएगा, फिर जो बाकी रिमेनिंग रह गए उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल की लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको लिमिट्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या आपने यहां पे एक बात नोट की है क्या, कि अगर तीन फंक्शन है हमारे पास, डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन फंक्शन है। आपने एक बात नोट की कि अगर एक्स वाई में है फंक्शन, अगर एक्स वाई में लिमिट है तो लिमिट किसकी बन रही है, जेड की, है ना, जेड की। दैट मीन्स तीन वेरिएबल थे एक्स वाई और जेड, अगर लिमिट में एक्स और वाई दोनों आ गए दैट मीन्स वो जेड की लिमिट बनेगी। अब ये नहीं है कि आप इसी को एक्स की लिमिट लेके चल पड़ो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब वाई की बात कर रहे हैं, वाई इसमें एक्स आ गया, है ना, एक्स आ गया, अगर जेड की लिमिट चूज हो चुकी है ना, तो दैट मीन्स इसे हम एक्स की लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ये एक्स में है, तो इसको हम किसकी लिमिट लेंगे, अनदर वेरिएबल वाई की लिमिट लेंगे, ठीक है ना। अगर बाय चांस मान लो यहां पे हमने जेड की लिमिट चूज पहले नहीं की होती और यही आया होता, सॉरी यही होता ओनली, तो हम इसको वाई और जेड दोनों में से किसी की भी लिमिट ले सकते थे। कैसे होगा, बाय एग्जांपल आएगी, अभी मैं आपको दो तीन क्वेश्चन लिखूंगी, सॉल्व करेंगे एक दो क्वेश्चन और, लेकिन क्वेश्चन सारे लिखूंगी जिसमें आपको लिमिट्स डिफाइन करके दूंगी कि ऐसे आपने लिमिट्स को निकालना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें एक्स लेनी है इसमें वाई लेनी है, ठीक है ना। और जो लास्ट में रहेगा फिर वो कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, क्वेश्चंस लिखती हूँ यहाँ पे, फिर कंपेयर करेंगे उन सबको। देखिए अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने, एक दो क्वेश्चन हम फुली सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन चारों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको कैसे लिमिट चूज करते हैं जब वेरिएबल में, आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊं। ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को, ये क्लियर हो गया तो आपकी फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं किसी और लेक्चर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं ओनली डायरेक्ट, यानी कि आपको लिमिट ऑलरेडी डिवाइड करके दी हुई है, ठीक है ना। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। देखो इसकी जो लिमिट दे रखी है भैया आपको क्या है, x माइनस जेड और x प्लस जेड दे रखी है, और जीरो से जेड माइनस वन से वन, ये तो कॉन्स्टेंट है। अब पहली लिमिट पे चलिए, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए जी, कौन कौन से, x और z, टू वेरिएबल आ चुके हैं। अगर x और z वेरिएबल आ गया तो कौन सा वेरिएबल रह गया, y, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट होगी जी, y की, इसकी लिमिट होगी ये y की। देख लिया करो, अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं तो लिमिट किस अनदर वेरिएबल की आएगी, कौन सा रह गया था, y रह गया था, तो ये y की लिमिट है, ठीक है ना। चलिए y की लिमिट फिक्स हो चुकी है, अब x और z रह गए। अब इसमें से देखिए कैसे आप क्लियर करोगे, देखो अगर आप ये सोचो भी इसे मैं z की लिमिट ले लेता हूं, भी ऑलरेडी ये z में है, ऑलरेडी किसमें है, ये
जेड में। तो ये चीज सोचना कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं है ना, लिमिट अप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आ जाती है, उसके बाद भी इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इसे मैं जेड की लिमिट ले लूं है ना, विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी होगा, तो उसके बाद अगेन उसमें जेड आ जाएगा, अगेन उसमें क्या आ जाएगा जेड। अगर उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो खुद सोचो वो जेड इसके बीच में रह गया, वो जेड कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। जब ऐसे भी सोच लो कि ये जेड में है ना, तो अपने वेरिएबल में तो लिमिट नहीं होती भाई, है ना, वाई हो चुका है फिक्स, ये किसकी आ जाएगी एक्स की, और ये किसकी आ जाएगी जेड की। तो ध्यान से कीजिए, इसमें ये नहीं है, आप अपनी मन मर्जी से कैसे भी कोई लिमिट लो, आंसर सेम आएगा, आंसर ही नहीं बन पाएगा। लिमिट ध्यान से लेनी है, एक्स और जेड में थी, तीसरा वेरिएबल कौन सा रह गया वाई, तो ये वाई का आएगा। यहाँ पे लिमिट जेड में थी, वाई तो निकल चुका है हमारे पास, एक्स और जेड रह गए थे, जेड की जेड में तो नहीं आ सकती सेम वेरिएबल में, तो जेड छोड़ दो, एक्स की आ जाएगी, ठीक है ना, सेम की सेम वेरिएबल में नहीं आ सकती, ये सोच सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कैसे लिमिट लेते हैं। अब सेकंड में चलिए, अब सेकंड का फंडा मैंने क्या किया भाई, जीरो से टू माइनस एक्स, जीरो से वन माइनस एक्स, जीरो से वन। अब कुछ सोचिए, दोनों ही मैंने एक्स एक्स दे दिए, क्या कर दिए, दोनों ही एक्स एक्स दे दिए। अब क्या करें, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों एक्स एक्स है कि दोनों लिमिट एक्स की नहीं हो सकती, क्योंकि सेम वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में नहीं हो सकती, एक्स की लिमिट एक्स में नहीं हो सकती, दैट मीन्स ये दोनों एक्स की लिमिट तो नहीं है, कौन रह गई वाई और जेड, है ना, यहां से कहीं पे क्लियर नहीं है। तो आप किसी को भी वाई ले लो और किसी को भी जेड ले लो, आपका इस केसेस में आंसर सेम जाएगा, लेकिन इसे हमें एक्स ही लेना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट लिमिट एक्स की आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स थी, एक्स नहीं ले सकते थे इन दोनों के लिए, कौन सी ले सकते थे, वाई और जेड में से कोई भी ले सकते थे, तो वाई और जेड कोई भी ले सकते हो। इसको जेड ले लो भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको वाई ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक्स यही रहेगा, क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना करे, मैं इसको थोड़ा सा डेज कर देती हूँ ना, सेकेंड क्वेश्चन है ना, अब करके देख लेना सॉल्व, आंसर सेम आएगा, आंसर भी बता दूं मैं सबके, है ना, अभी लास्ट में सबके आंसर बता दूंगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन डाला था उसका क्या आंसर है। अब थर्ड में देखिए, थोड़ा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फर्स्ट की जो लिमिट दे रखी है और वाई और एक्स में दे रखी है, क्लियर हो गया, यहीं से तीन वेरिएबल थे एक्स वाई और जेड, यहाँ पे वाई और एक्स है, कौन सा रह गया जेड रह गया, दैट मीन्स ये लिमिट किसकी है जी जेड की, क्लियर है। नीचे तो जीरो से स्टार्ट है, नहीं पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा ये लिमिट किसकी है जेड की, जेड निकल गया, ठीक है ना। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड ही होगा, ये ध्यान रखना, जिसकी वेरिएबल होती है ना, जिसकी वेरिएबल में लिमिट आती है, इंटीग्रेशन भी पहले उसी के विद रिस्पेक्ट टू होता है, ठीक है ना, जेड हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स, क्या दे रखा है जी एक्स, तो अगर एक्स वेरिएबल आ गया तो ये लिमिट किसकी आएगी वाई की, क्योंकि जेड तो निकल चुका है, एक्स और वाई दो रह गए थे, अब एक्स और वाई में से अपने वेरिएबल में लिमिट तो नहीं हो सकती, दैट मीन्स ये लिमिट किसकी जाएगी जी वाई की, और क्या रह गया एक्स, ये एक्स की लिमिट आ जाएगी, क्लियर है। ऐसे आपने एक्स वाई और जेड डिफाइन करनी है। अब थोड़ा नीचे वाले में आओ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। अब इस चीज को समझिए जो चीज मैंने पहले आपको बताई थी, थोड़ी ये चीज को समझिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, और देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, देखिए थोड़ा ध्यान से, है ना। अब देखिए ये ओनली एक्स में है, ये ओनली वाई में है, और ये कॉन्स्टेंट लिमिट है, वेरिएबल वही है एक्स वाई और जेड, तो कैसे हमारा कंसेप्ट बनेगा भाई, थोड़ा सोचिए ना। अब देखो अगर ये लिमिट एक्स में है, आप ये सोच सकते हो कि अगर ये लिमिट एक्स में है तो ये लिमिट या तो वाई की हो सकती है या फिर जेड की हो सकती है, दोनों में से किसी एक ही हो सकती है ना। चलिए ठीक है, दोनों में से किसकी बनेगी, वो हम पीछे वाले पे चलते हैं। अब ये देखिए ये लिमिट किसकी है वाई की, है ना वाई की। अब ये लिमिट किसकी हो सकती है, एक्स की हो सकती है, और किसकी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है और जेड की हो सकती है, एक्स की हो सकती है और जेड की हो सकती है। अब ये किसकी है कॉन्स्टेंट लिमिट, वो तो डिपेंड होता है जो लास्ट में बच जाएगा वो इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए अगर, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक्स और जेड है और इसमें वाई और जेड है, दोनों में कॉमन कौन सा बन रहा है, कॉमन जेड बन रहा है ना, आप ऐसे सोच सकते हो जेड, तो दैट मीन
ये लिमिट जेड की बनेगी पहले। क्यों बनेगी? देखिए, अगर पहले मैं इसे वाई की लिमिट ले लेती, वाई है ना, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर देती, इंटीग्रेशन कर देती और लिमिट अप्लाई कर देती, जो एक्स में फंक्शन आ जाता है ना। अब अगर मान लो इसे मैं वाई की ले लेती तो ये जेड की बनेगी ना, फिर जब मैं जेड की लिमिट अप्लाई करती उसमें क्या आ जाएगा, लॉग वाई, फिर वाई बीच में रह गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जो इंटीग्रेशन होनी थी वो यहां पे कंसेप्ट कहां से चला गया, ठीक है ना। इसीलिए अब दोनों से कॉमन के अकॉर्डिंग पीछे से हमने स्टार्ट करना है, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट हो जाएगी, जेड की। किसकी लिमिट होगी, ये जेड की, ध्यान रखना ये जेड की लेंगे। अब अगर जेड की हमने ये लिमिट दे ली, ये हम एक्स और जेड की ले सकते थे, जेड की हमने ये ले लिया तो ये किसकी बनेगी, एक्स की बनेगी, तो ये किसकी बनेगी, वाई की बनेगी। ध्यान से करना, अगर किसी और मेथड से करने की कोशिश करोगे, आई को मुझे लगता है कि आंसर नहीं मिल पाएगा। मैंने टू मेथड से ट्राई किया था, दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा था, आंसर इसी से बनेगा, आंसर सॉल्व नहीं होता अदरवाइज, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कंसेप्ट आपको लिमिट के प्रॉपर क्वेश्चन लिख के सारी बता दिया कि कैसे आपने लिमिट चूज करनी है। आई थिंक एक्सरसाइज में इससे अलावा क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, क्योंकि चारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिमिट्स बता दी। जो फर्स्ट टाइप की लिमिट बताइए, इस टाइप के तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, बीच में जो दोनों बताए उसके वन वन टू टू क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। दोनों में से कॉमन देख के फिर आप लिमिट लेना, ये जेड की लिमिट आएगी, ये एक्स की लिमिट आएगी और सबसे लास्ट में वाई की लिमिट। ओके, अब एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली सॉल्व कर देती हूँ, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है, तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन, अगर आपको लगा, मैंने यहाँ पे फोर क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, अगर आपको लगा कि कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं किसी और लेक्चर में आपको तीनों में से जो भी क्वेश्चन की आप डिमांड करोगे, सेकंड थर्ड या फोर्थ की, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें तो क्लियर था भाई ये वाई की है, ये एक्स की, जेड की है, चलो करना शुरू करते हैं। अब ये वाई की लिमिट है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन होगा, है ना जी, जिसकी लिमिट होती है पहले उसी के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट होता है, इतना तो क्लियर है आपको। तो एक्स और जेड इसके लिए कॉन्स्टेंट है भाई, तो वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है, अपर लिमिट माइन डिवाइड में दोनों लिमिट्स को मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी एक्स और डी जेड रह गया, डी एक्स और डी जेड रह गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस वन टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू जेड, है ना। अब ये देखिए एक्स जेड, इसको आप जब फिल करोगे एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, टू है ना, चाहे टू आप वन बाय टू आगे भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट में डाल लीजिए क्योंकि एक्स जेड सबके साथ है, इसको ऐसे कर लीजिए बड़ी ब्रैकेट और ये बड़ी हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस जेड की स्क्वायर, ये आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इंटू डी एक्स डी जेड। जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब आप इसको सॉल्व करोगे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस टू ए बी, यहां पे सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लेकिन आगे साइन क्या, माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसल, फोर एक्स वाई रह गया, इसको सॉल्व करके फोर एक्स वाई रह गया, फोर एक्स वाई, सॉरी फोर एक्स जेड बोलना था, सॉरी फोर एक्स जेड, फोर एक्स जेड रह गया। जब फोर एक्स जेड को इसके साथ करोगे इतना आ गया जी वो फोर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, फोर, और आगे टू था, ये टू था आगे था, ये कट हो गया, टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया आपके पास इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसके पास, अब जेड माइनस वन टू जीरो, चलो एक बार लिख दीजिए ना, इंटीग्रेशन एक्स जीरो से लेके जेड, टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड। अब लिमिट किसकी है भाई, एक्स की, जो वेरिएबल में है, पहले वेरिएबल वाली सॉल्व होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे पहले, तो एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, जेड माइनस वन से जीरो एज इट आ जाएगा, तो टू एक्स क्यू बाय थ्री इंटू जेड स्क्वायर ना, और लिमिट क्या थी, जीरो से जेड, लिमिट क्या थी, जीरो से जेड। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल कर देंगे, ठीक है ना, टू बाय थ्री एज इट आ गया। अब इंटीग्रेशन जेड रनिंग वन से जीरो, जब आप अपर लिमिट फिल करोगे, जेड रेस्ट पावर क्यू और टू कितना हो गया, फाइव हो गया, जेड रेस्ट पावर फाइव माइनस लोअर लिमिट करोगे भी वो कितनी हो गई, जीरो, लोअर लिमिट तो जीरो ही थी, वो जीरो हो गया अपर लिमिट, ठीक है। चलिए
यानी ये भी माइनस थी ना, हाँ माइनस वन थी। डीजेड, अब इधर सर को डीजेड कर दीजिए, टू बाय थ्री है आगे, चलिए इसकी इंटीग्रेशन करोगे, जेड रेस टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स और लिमिट है आपके पास माइनस वन टू जीरो। अब जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट तो जीरो हो गई, जब आप लोअर लिमिट करोगे माइनस लगाओगे, लेकिन माइनस वन रेस्ट पावर सिक्स करोगे उसने पॉजिटिव आंसर ही देना है, तो आपका माइनस टू बाय थ्री तो है इन टू, इट्स विजिबल माइनस टू बाय थ्री इन टू वन बाय सिक्स, ठीक है ना, तो माइनस वन बाय नाइन आपका इसका आंसर बन जाएगा, माइनस वन बाय नाइन आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार बोलना चाहूंगी कि लिमिट हमारी माइनस वन से वन थी, लेकिन हमें माइनस वन से जीरो स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कंसेप्ट क्लियर चाहिए था ना, जो आपके सामने क्लियर है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है ना, तीन क्वेश्चन मैंने और दिखाए थे जिसमें मैंने लिमिट कैसे लेते हैं वो आपको सिखा दिया है, तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर चलो मैं लिख देती हूँ उनके आंसर्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो रहा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, देखिए आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो मैंने तीन क्वेश्चन आपको दिए थे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तीनों के आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स को होता है कि हमने सॉल्व करने आया ना, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो कर सकते हैं सॉल्व, ऐसी बात नहीं है, मतलब तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जीरो से लिमिट हो रहा है, और सबके आंसर साथ में आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, कोई नहीं सॉल्व होगा, कोई आपको लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, जिसका मैक्सिमम लाइक आया तो वो वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे आपको। प्लस आपको मालूम है कि ऐप बन चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके आप ऐप में विजिट कर सकते हो, जिससे आपको अपने जो भी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, मास्टर कैडेट की तैयारी कर रहे हो, या बीएससी के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक चाहिए वो आपको वन बाय वन वहां पे मिल जाएंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।